बाबू मोहल्ला के स्मार्ट लड़कों में गिनती होने वाली जगीर भाई। अरे यार मोदैया मुंह में पक्का ही यार, देख अब आओ ना असली रंग मत है। ये एमडी जेपीबी। तो गाइज और आप बताइए कि आप सब कैसे हैं और मौदाह में अच्छे दिन जा रहे हैं। थोड़ा सा मौदाह में गर्म है लेकिन सही है, ठीक है। और बाकी अब हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, अजीज सूबेदार की मस्जिद में इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। गाइज अब हम चल रहे हैं आपका मस्जिद की तरफ और ये सामने आपको मीनारें दिख रही हैं। ये बहुत पुरानी मस्जिद है मौदाह की, इसे अजीज सूबेदार की मस्जिद बोलते हैं और काफी पुरानी है, अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो भी पुराने स्टाइल में बना हुआ है, क्योंकि बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगता है। एक वो ऐसी जगह है जहाँ पे इतना सुकून मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप मस्जिद में नमाज पढ़िए, बहुत सुकून मिलेगा। आप मस्जिद की छत देख रहे होंगे, ऐसी छत शायद अब देखने को नहीं मिलती है मस्जिदों में। बहुत खूबसूरत मकान, पर्सनली ये डिजाइन वाज मुझे बड़ा पसंद आता है। तेरी राहों में जो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो गाइस नमाज हो चुकी है हमारी जुमे की, अब हम जा रहे हैं घर। उसके बाद शाम में मैं निकलूंगा, तो काफ़ी सारे मुझे चौधराना की तरफ भी जाना है और आपका अलाव मैदान की तरफ भी जाना है। तो बस आपको इस ब्लॉग को एंड तक देखना है और ऐजान का भी चैनल है डिस्क्रिप्शन पे, तो जल्दी से उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करना ब्रो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे शाम में। सो गाइस ये हमारे लाला भाई हैं जो कि तकरीबन अस्सलाम वालेकुम खैरियत, इस मोहल्ले में तकरीबन कम से कम 15 साल तो हुई क्यों 20 साल। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे पहले कच्चा मकान था जहाँ पे मैं रहता था, यानी कि हम लोग रहते थे, और तब लाला ने दुकान रखी थी जब ये बना था। इसको बने हुए शायद 20 साल हो गए। तो यहाँ पे दुकान, पहली दुकान ये कॉर्नर जहाँ ये कादिर बैठा है, यहाँ पे दुकान थी। और ये हमारे सफ़ीर भाई वहाँ पे कोने से छुपते हुए और ये हमारे जकीर भाई, हमारे बागू मोहल्ला के स्मार्ट लड़कों में गिनती होने वाली जकीर भाई। खत्म क्या मतलब, शादी हो गई तो खत्म, मतलब शादी के पहले तक लड़का स्मार्ट, और जहाँ से शादी हुई तो वहाँ से स्मार्टनेस खत्म। और ये हमारा है बागू मोहल्ला पूरा, और ये सामने दीवानशाह बाबा का मजार, और ये हमारे जो है ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है। ये हमारी गाय माता जी समोसा छुपाते हुए हमारे अचन भाई, और यहाँ बेहतरीन समोसे मिलते हैं। ये आपने लखनऊ में भी छोटी कढ़ाई देखी होगी, 5 रुपए का एक समोसा है माशाल्लाह से। अच्छा मौदाह काफी तरक्की में है, यहाँ पे होटल भी खुल गया है। नालगोस है भाई, ये तंदूर, ये टेम्परेरी तंदूर है। मौदाह वाला तंदूर तो जमीन में गड़ के बनता है, और ये कढ़ाई देख रहे हैं, ये छोटी कढ़ाव नहीं कहेंगे, इसे कढ़ाई कहेंगे। आपने बड़ा कढ़ाव तो देखा है मुजाहिद की शादी में। हमारे शानू भाई ये तो नालगोस जो है तो वो कितने रुपए किलो में है या किस तरीके से है? 60 रुपए किलो। अच्छा देखिए एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि और शहरों में मिलता है प्लेट में फुल हाफ, लेकिन हमारे यहाँ जो नालगोश मिलता है वो किलो के हिसाब से मिलता है। और नाल वगैरह कैसे? 5 रुपए की है, 5 की एक नाल, और 160 रुपए किलो नालगोश। तो जो नालगोश के दीवाने हैं भाई, आप देखिए सीधे चलिए बिरयानी नालगोश, और आपको ये नान बेहतरीन मिलेगी। और ये हमारा बागू मोहल्ला, ये दीवानशाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी पैदाइश भी इस घर की है जो कि जस्ट सामने है मजार के। और अगर आपके पैरों में बात है या पैरों में तकलीफ है, यहाँ ये बहुत शिफा मिलती है। और ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ये बागू मोहल्ला की मस्जिद है माशाल्लाह से, इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी है। और ये सामने जो गुंबद है ये बहुत पसंद आया मुझे, बहुत मतलब बहुत माशाल्लाह है, क्या कहना है। सो गाइस ये हम आ गए चौपारी मस्जिद की तरफ। अब क्योंकि यहाँ इस मोहल्ले में हम बहुत सालों रहे हैं, तो सब एकदम जान पहचान के लोग हैं, और माशाल्लाह से आप देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है, आहा बहुत खूब। और ये मस्जिद देखिए मीनार कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारी चौपारी मस्जिद, यहाँ पे मैंने मदरसे की पढ़ाई करी है, कुरान पाक की यहाँ पे पढ़ाई करी है यहाँ पे इस मस्जिद पे। और इधर है आपका चौधराना मोहल्ला, यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल इमारतें हैं, तो मैं किसी और व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं इस तरफ। और ये हमारे बच्ची भाई सब बढ़िया।
सो गाइस आपको मौदहा का टूर कैसा लग रहा है? जो मौदहा से जुड़े हुए लोग हैं मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अभी मैं चल रहा हूँ अलाव मैदान की तरफ। नहीं, मैं गलत रास्ता गया क्योंकि मुझे जाना था हमारी चुन्नी भाभी के यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, चुन्नी भाभी के यहाँ। वहाँ पे हमारे बहुत जबरदस्त के सब्सक्राइबर भी हैं। जिस मोहल्ले में जाओ, जिधर भी जाओ, हमारे कोई ना कोई दोस्त हमारा कहें या खुद का कहें इंतजार जरूर कर रहे होते हैं। और इसी को बरकरार रखते हुए हमारे गुफरान भाई जो के फिटनेस फ्रीक हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत और क्या हाल है? सो गाइस, ये हमारे गुफरान भाई जो, और बड़े वक्त के बाद इनसे मुलाकात हुई है क्योंकि उन्होंने मुझे फोन किया नहीं थी। देख, मैं तो उसे मिले आ गया लखनऊ से मौदहा। अच्छा, तो आओ नहीं आई? आना है मुझे 20 तारीख को पक्का इंशाल्लाह। ऐसे बोलो कर था, आना है मुझे कि यह कहो पक्का आगे कहें नहीं। देख गाइस, मैं मौदहा में आता हूँ तो कोशिश कर दूं कि मौदहिया बोलूं। जो लोग मुझसे मिलते हैं वो कोशिश करते हैं कि मैं उर्दू बोलूं। अरे यार मौदहिया, मैं पक्का ही हूं यार। देख, आप आओ ना, असली रंग मत है। अगर आपने इनको नहीं पहचाना, बौरा अपना, ये बहुत टैलेंटेड है, अच्छा लग रहा है। और गाइस, हम पूर्वी तरोस में, हमारे अरबाज भाई, देखो जबान भी बड़ी रपटना जरूरी है। और ये हमारे मामू के लड़के हैं। और अरबाज क्या हाल है? बस बढ़िया, सब भाई सब बढ़िया। साफ साफ, क्या बात है। तो अभी हम जा रहे हैं चुन्नी भाभी की तरफ जो कि हमारी बड़ी में लगती है, लेकिन हम बचपन से बोलते हैं उन्हें चुन्नी भाभी। तो वो फिर कहना कि लाइक वो जबान में रहता है, रटा रहता है ये चीज है। और ये देखो बउरा, ये बउरा कहते मत आके रंजो का है। कुछ और गाइस, ये हमारे चुन्नी भाभी का घर है और हम चल रहे हैं वारिस भाई से मिलने। अच्छे से करो बहला। ये वारिस हैं, मम्मी भी आ रही है। आप क्या छुप जाओगे मम्मी के पीछे? तो सो गाइस, हम ज्यादा शूट नहीं कर पाए, काफी देर हो गई वहाँ पे। बाकी ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में जो कि बहुत जल्दी आएंगे। और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करिए।